हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर वीक कुछ लेवल्स बताता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के, और नेक्स्ट वीक में उसका परफॉर्मेंस बताता हूँ, और मेरी कुछ पेड सर्विसेज है उनका रिजल्ट भी बताता हूँ। इस बार कुछ ज़्यादा मैं बिजी हो गया था, इस वजह से वीडियो अपलोड करने में थोड़ी लेट हो गई। बिना टाइम वेस्ट किए ज़रा देख लेते हैं मैंने लास्ट वीक क्या लेवल्स बताए थे, उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में मैंने 12,402 का लेवल बताया था और कहा था अगर निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये 12,593 तक जा सकता है। और आप देख सकते हैं मंडे को ही निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था और ट्यूसडे को इसने अपना टारगेट कंप्लीट किया था, और उसके बाद वेडनेसडे को वापस उसी लेवल से सपोर्ट लेके निफ्टी ने वापस अपसाइड मूव कंटिन्यू किया था। आप देख सकते हैं लेवल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, 12,402 और 12,593, और ये 12,738 लेवल ये मंथली लेवल है, इसका टारगेट भी अचीव हो गया है। ये बाई ट्रिगर हुआ था 12,000 के लेवल के आसपास, तो वो टारगेट भी इस वीक कंप्लीट हो गया है। तो वीकली लेवल्स, मंथली लेवल्स, डेली लेवल्स, सभी लेवल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको 27,362 का लेवल बताया था और बताया था इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, 15 मिनट क्लोजिंग आता है, तो ये 28,240 तक जा सकता है। और आप देख सकते हैं मंडे को बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था और क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही दी थी, और ट्यूसडे को बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट कंप्लीट किया। और आप देख सकते हैं ये लेवल इतना परफेक्ट है, बैंक निफ्टी जैसे ही इसके ऊपर निकला उसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और वापस इसी लेवल पर इसने सपोर्ट भी लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बार इस लेवल को इसने टच किया और कितनी बार इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है। आप सिर्फ इसी लेवल पर फोकस करके अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड का ट्रेड करोगे तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब देख लेते हैं मेरी कैश इंट्राडे की सर्विस ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। कैश इंट्राडे की सर्विस का परफॉर्मेंस बहुत टाइम बाद में इसमें प्रॉफिट नहीं मिला और पूरे वीक के बाद इसमें 0.65% का लॉस हुआ है। तो आप देख सकते हैं लगातार बहुत टाइम से इसमें प्रॉफिट मिल रहा था लेकिन इस बार पूरे वीक में 0.65% का लॉस हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं इस सर्विस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, इसका 70% सक्सेस रेट है और 1 अगस्त से लेकर अभी तक इसमें 100% का कैपिटल एप्रिसिएशन हो चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है, 100 डेज के अंदर 100% का रिटर्न ऑन एन एवरेज मिला है। प्रॉफिट लॉस आर पार्ट ऑफ गेम, वो तो दोनों सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से किसी चीज को फॉलो करेंगे तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो ये तो हो गई लास्ट वीक की बात। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में 12,953 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो ऊपर में 13,137 तक जा सकता है। 12,953 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो उस लेवल पर आप खास वॉच रखिए। और अगर निफ्टी वहां से रिवर्स करता है तो ये नीचे में 12,636 तक आ सकता है। नीचे में 12,636 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर निफ्टी इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है और इसके नीचे सस्टेन करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे, तो नीचे में 12,423 तक आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए इन दो लेवल पर आप खास वॉच रखिए, 12,953 और 12,636। 15 मिनट चार्ट में इसको ट्रैक करिए, कन्फर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसको ट्रेड करिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 29,192 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, तो ऊपर में 30,000 तक जा सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 29,192 के लेवल से रिवर्स करता है तो ये नीचे में 28,000 तक फिसल सकता है। तो 29,192 के लेवल पे खास बात रखिए। और नीचे में 28,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी 28,000 के लेवल को ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेन करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है उसके नीचे, तो नीचे में 27,171 तक फिसल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 28,000 के लेवल पर सपोर्ट लेता है और वहां से रिवर्स करता है तो ये ऊपर में 29,190 तक जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 29,192 और 28,000। 15 मिनट चार्ट में इसको ट्रैक करिए, कन्फर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसको ट्रेड करिए। मार्केट फिलहाल ओवरबोट जोन में है तो कभी भी इसमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अपने लेवल के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अपने को सेलिंग नहीं करना है। अगर ये वहां से रिवर्स करे तो आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर ये चाहे 30,000 से रिवर्स करे या 29,190 से रिवर्स करे, कि जहां से भी रिवर्स करे आप वहां से उसको सेल कर सकते हो, लेकिन अगर वो ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो आप उसको सेल मत करिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो जो ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं वो मेरे वीडियो को जरूर देखे, और वो ट्रेड करे या ना करे लेकिन उस लेवल्स को 15 मिनट चार्ट में ट्रैक करे
और देखिए कि उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है। आप देख सकते हैं हर वीक लेवल्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, एक लेवल को ब्रेकआउट आता है तो दूसरे लेवल को टच करता ही है, तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन से फॉलो करना है। और लाइव मार्केट में आप देखिए कि ये लेवल के आसपास कैसे रिएक्ट करता है। थोड़े दिन आप इन लेवल को फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है लेकिन परफेक्टली वर्क करते हैं। और अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज ना करें, कुछ भी यूज ना करें, सिर्फ इन लेवल को फॉलो करें तो भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के बताए हुए लेवल अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे ट्रेडर को शेयर कीजिए। लेकिन अगर मुझे आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का लाइक मिलता है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे नॉलेज वाले वीडियो शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।